गुड निंग एवरीवान बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है सो टूडे वी आर गोइंग टू रिवाइज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन देखिए बेटा ए वन ए टू ए थ्री से लेकर ए एन माइनस वन ए एन आर एन जी पी तो क्या होता है बेटा यदि सक्सेसिव टर्म का रेशियो सेम आने लगे इस तरह से सक्सेसिव टर्म का यदि रेशियो सेम आ रहा है तो उसे कहते हैं जीपी और इसे कहते हैं कॉमन रेशियो इसको हम आर से लिखते हैं तो एफ की वैल्यू ए लिखते हैं तो हमारे जीपी इस टाइप की होती है ए ए आर ए आर स्क्वायर से लेकर ए आर टू पावर एन माइनस वन ये होती है जीपी ठीक है तो आपको जीपी का लुक तो समझ में आ गया ना अब समझिए बेटा इसका जन्रल टर्म। जन्रल टर्म या कह सकते एनथ टर्म टीएन हो, होता है वो होता है बेटा देखो फर्स्ट टर्म में ए है सेकेंड टर्म में ए आर है थर्ड टर्म में ए आर स्क्वायर है मतलब नेक्स्ट टर्म निकालना है तो आर से आप मल्टीप्लाई करते जाइए तो जो एनट टर्म है वो दिख रहा है लास्ट टर्म देखो ए आर टू पावर एन माइनस वन दिख रहा है ये हमको याद रखना है जीपी का एनट टर्म होता है ए इंटू आर टू पावर एन माइनस वन ठीक है अब बेटा देखिए यदि आर ग्रेटर देन वन है तो इसे हम कहते हैं इनक्रीजिंग जीपी इन जीपी इफ आर ग्रेटर देन वन इस तरह का लोग बनेगा जैसे वन टू फोर एट सिक्सटीन एंड सो ऑन इस तरह का दूसरा है आर है जीरो टू वन तो इसे कहते हैं डिक्रीजिंग जीपी ठीक है तो जैसे हो गया एट फोर टू वन वन बाई टू वन बाई फोर एंड सोन तो ये हो गया डिक्रीजिंग जीपी यदि पी यदिटिव है तो अल्टरनेटिव टर्म विल बी पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेटिव टर्म्स विल बी या आर ऑफ अपोजिट साइन इसका लोग ऐसे रहे जैसे वन माइनस टू फोर माइनस एट इस तरह से आर इक्वल टू वन हो जाएगा तो सब कांस्टेंट जीपी हो जाएगी आर इक्वल टू वन केस में ठीक है है तो हो जाएगी कांस्टेंट जीपी और आर की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती क्योंकि रेसू है ना तो आर कैनोट तो जीरो बेटा अभी तक हमने ये कि यहां तक केवल ये पढ़ा है अभी तक जो लोग दो मिनट तीन मिनट लेट ज्वाइन किए हैं अभी तक हमने ये पढ़ा है जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है तो इम्पोर्टेंट ये है बेटा मैं फाइल भी ये तो पूरा भेजी देता हूँ आपके ग्रुप में इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसको मेमोराइज करते जाइए जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ सभी लेक्चर्स में कहता हूँ कि आपका काम है आप इनको याद करते जाइए जो मैं पॉइंट रेस्क बता रहा हूँ उसको याद करते रहिए दिमाग में रखिए कि जीपी क्या होता है कैसे क्या क्या, क्या, कौन, क्या कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान रखना है क्वेश्चन फिर आपने आपसे आप ऑटोमेटिकली बनने लग जाएंगे ठीक है आर ग्रेटर जीपी लिखा है मतलब आर मतलब होगा बिटवीन जीरो एंड वन और यदि लिखा है अल्टरनेट टर्म्स अपोजिट साइन के हैं इसका मतलब है alternate term यदि negative, positive, positive, negative इस तरह से हैं तो समझ जाना कि आर मस्ट बी नेगेटिव ठीक है अब हम आगे पढ़ते ये वाला फॉर्मूला याद रखना दें टी एन का फार्मूला ए इंटू आर टू दावर एन माइनस वन होता है कोई भी टर्म आपको निकालना है जैसे आपको निकालना है टेंथ टर्म तो आंसर ये होगा ए इंटू आर टू पावर नाइन ठीक है कोई भी टर्म आपको निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अब हम पढ़ते हैं सम ऑफ एन टर्म्स सम ऑफ एन टर्म्स एस एन तो ए आर ए आर स्क्वायर से लेकर ए आर टू पावर एन माइनस वन है तो इसमें बेटा क्या करते हैं आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं इसमें मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये लिख दिया ए आर इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये लिख दूंगा ए आर इसमें मल्टीप्लाई किया तो आगे लिखूंगा ठीक है ना कंटिन्यू रहेगा इस तरह से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ लिख रहा हूँ ए इंटू आर टू पावर एन और सप्रेट कर दो तो देखो ये सब सपरेट हो रहे हैं और ये वन है तो ये इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस आर इंटू एस एन इज इक्वल टू ए माइनस ए आर टू पावर एन तो ये यहां से हमने एस एन का फॉर्मूला डिराइव कर लिया ये होता है ए इंटू वन माइनस आर टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर ये हमको याद रखना है एस एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू वन माइनस आर टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर ठीक है जनरली हम ये फॉर्मूला वैसे तो कोई ये आप बुक में ऐसा भी फार्मूला लिखा मिलेगा वैसे दोनों फार्मूला सेम ही है उन्होंने क्या किया नमरेटर में डिनोटर में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऐसे बन जाता है तो बहुत फार्मूला वो तार सेम ठीक है इसमें जनरली हम ये वाला कब अप्लाई करते है? जब आर की वैल्यू जीरो और वन के बीच में हो जब ये आर गिर दें उन्होंने है तो सेम ही वैल्यू आप कोई भी फार्मूला अप्लाई करो कभी भी आंसर सेम आएगा आंसर आएगा तो ये हमको याद रखना है ठीक है अब हम पढ़ते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तो सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तो इसमें रिस्ट्रिक्शन ये होती है कंडीशन जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कंडीशन इस पर बेस्ट क्वेश्चन आता है आर की वैल्यू होती है बिटवीन जीरो एंड वन सॉरी आर की वैल्यू होती है माइनस वन एंड वन कंडीशन बेटा ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए और आर की वैल्यू जीरो जीरो नहीं होती है तो ये दिस इज दंडीशन इनफाइनाइट टर्म का समेशन आप तभी निकाल सकते हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो ये ध्यान रखो कंडीशन पर बेस्ड तीन चार बार क्वेश्चन आ चुका है तो आपको ये याद होना चाहिए तो इसमें क्या करना बेटा लास्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है तो ये इस तरह से कंटिन्यू करते हैं और आर से मल्टीप्लाई करके सब कर देंगे तो ये सारे टर्म कैंसिल आउट होने लग जाएंगे बचेगा क्या ये वन माइनस आर एस इक्वल टू ए तो यहाँ से अपॉन वन माइनस आर तो इसमें जो रटने वाला चीज है जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंडीशन और ये फॉर्मूला कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ध्यान रखिए कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन तीन चार बार एग्जाम में आ चुके हैं तो आपको कंडीशन याद होना चाहिए कि इनफाइनाइट जीपी किस केस में हम इनफाइनाइट जीपी का सम फाइनाइट कब होता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी विल बी फाइनाइट इफ आर लाई बिटवीन माइनस वन एंड वन में बेटा सम ऑफ इनफाइनाइट जी पी विल बी फाइनाइट इफ आर लाई बिटवीन माइनस वन एंड वन डायरेक्टली बेटा फॉर्मूला याद रखना है कंडीशन याद रखनी है तो इसको लिख लेना सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी विल बी फाइनाइट इफ आर लाई बिटवीन माइनस वन एंड वन ठीक है कंडीशन ध्यान रखो बेटा कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है ये फॉर्मूला तो हर कोई हर एव सभी स्टूडेंट जानते हैं फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंडीशन आर की वैल्यू होती है बिटवीन माइनस वन वन एंड माइनस वन एंड वन क्योंकि इस पर बेस्ट क्वेश्चन आएगा ध्यान रखिए कंडीशन सभी बच्चों को मालूम रहती है याद रहती है लेकिन ये सॉरी फॉर्मूला कंडीशन भूल जाते हैं तो कंडीशन ध्यान रखो किस केस में हम सम निकाल सकते हैं ठीक है तो मेमोराइज कर लिए आप थोड़ा सा आप अपने से सोचो मेमोराइज करो तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ हाँ बेटा आर तो नॉट इक्वल टू जीरो तो वो तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि रेशियो है तो रेशियो कैन नॉट बी ज़ीरो तो आर इम्पॉर्टेंट ये है कि आर की वैल्यू आप याद रखिए माइनस वन एंड वन है आर की जो वैल्यू होती, होती है कॉमन रेशियो की वैल्यू होती है माइनस वन एंड वन एज वेल एज आर कैन नॉट बी ज़ीरो ठीक है चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं अच्छा बेटा अब मुझे एक एक करके जैसे जैसे मैं बताता अच्छा बताइए बेटा एक एक करके रिवीजन करते हैं अच्छा बताइए एफ ए बी सी आर एन ए पी क्या होता है रिलेशन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी सी ये होता है टू बी इक्वल टू ए प्लस सी याद करते जाना ध्यान रखना एफ ए बी सी आर एन एच पी हमने पढ़ा था तो ये था कि b की इन सब की जगह रेसिप रोल कर दो टू बाई बीवल टू वन बाई ए प्लस वन बाई सी तीसरा है if A, b, C, in GP, तो बेटा बी अपॉन तो इक्वल टू सी अपॉन बी तो इससे आ गया बी स्क्वा ध्यान रखो बेटा इस पर भी क्वेश्चन आते रहते हैं ये हमें तीनों कंडीशन याद होना चाहिए तो आप इसको जल्दी से याद कर लीजिए आगे बेटा समझ में है चलो अब आगे वाला देखते हैं इफ थ्री से लेकर ए ट्वेंटी फोर है आर एन ए पी क्या होता था रिलेशन बेटा ये होता था फर्स्ट और लास्ट का सम इस सेम है सेकंड सेकंड लास्ट का सम सेम है थर्ड थर्ड लास्ट का सम एंड ऑन so यही पढ़ा था ना हमने इस तरह से तो इसमें देखो इंडेक्स का सम इंडेक्स का सम है ट्वेंटी फाइव है सेम होता है तो यदि कोई तुम्हें जरूरत पड़ती है तो ए एट तो एट के साथ लिखा होगा ए सेवनटीन इसी तरह से यदि लिखा हो ए तो ए के साथ लिखा होगा ए फोर्टीन एंड सो ऑन आगे समझ में तो ये तो हो गया एपी वाला अब दूसरा देखते हैं लेकर ए ट्वेंटी फोर आर r एच पी तो क्या होता है एच तो पी का कुछ भी आ गया तो सबसे पहले हमें क्या कर देना होता है ए पी में कन्वर्ट कर देना होता है ये तो मैंने पूरा लास्ट क्लास में पूरी क्लास में एक्सप्लेन किया था तो फिर बाकी फिर एज इट इज यही रेस कहने का मतलब है फर्स्ट और लास्ट का रेसिप्रोकल का सम यदि एच पी आता है तो फर्स्ट टू लास्ट का रेसिप्रोकल का सम सेम हो जाता है रेसिप्रोकल सम सेम होता है अरे बेटा वो एग्जाम्पल बता रहा हूं कि हमको कैसे लिखना है मैंने ए ट्वेंटी फोर तक लिया है। आप ए टेन तक लिख लीजिए कहीं तक ले लीजिए इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल ठीक है दूसरा लेकर ए ट्वेंटी फोर आर एन जी पी तो जीपी में होता है बेटा फर्स्ट टू लास्ट का प्रोडक्ट होता है एन इंटू ए ट्वेंटी थ्री एस एच ए थ्री इंटू ए ट्वेंटी टू एंड सो ऑन। तो जीपी में होता है बेटा प्रोडक्ट होता है आगे समझ में तो ये है बेटा आपकी स्क्रीन में दिख रहा है एपी केस में क्या करना होता है एचपी के और जीपी के अरे बेटा लिखना नहीं है आपको आपको केवल याद करना है मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है क्लास में एक घंटे की क्लास में आपको लिखने लिखना मत लिखना लिखना नहीं है आपको यू जस्ट रफ कॉपी रखिए और फॉर्मूला लिखते जाइए याद करते जाइए की पॉइंट अपने कॉपी में खुद से प्रैक्टिस करते जाइए मैं ये फाइल भेज दूंगा फिर आप उसके बाद में आप लिख फेयर कीजिए या जो कुछ करना है करते रहिए देखिए थर्ड वाला थर्ड पॉइंट क्या है बेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है एपी जीपी एचपी से रिलेटेड कैसे हमको सॉल्व uh, करना है ध्यान रखो ये देखो ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है जैसे देखो ये फॉर्मूला आपको याद हो देखो बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर है बी माइनस सी का होल स्क्वायर है सी माइनस ए का होल स्क्वायर है अच्छा बताइए बेटा ये वैल्यू इक्वल टू जीरो कब होगी इफ इफ आर आर रियल रियल नंबर नंबर हाँ या फिर लेस देन और लेस देन इक्वल टू जीरो कब होगा ये होगा वेन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी ठीक है तो इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू जीरो हो या फिर लेस देन इक्वल टू जीरो हो ये ध्यान रखो ये कभी गिवेन नो क्वेश्चन में तो ध्यान रखो इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना है ए मस्ट बी इक्वल टू बी मस्ट बी इक्वल टू सी लेस देन इक्वल टू जीरो लिख देते हैं बेटा तो लेस देन तो होगा नहीं वो इक्वल टू जीरो ही होगा तो ब्लफिंग होता है ये लेस देन इक्वल टू केवल डराने के लिए लिखते हैं और कुछ नहीं लेस देन इक्वल टू जीरो लिख देते हैं बन गई खतरनाक वाला दिख रहा है इतना बड़ा सा डेंजरस लुकिंग है लेकिन एक्चुअली में वो सच्चाई है कि वो लेस देन तो हो नहीं वाला कभी भी वो इक्वल टू जीरो ही होगा केवल ठीक है तो ये ध्यान रखना कि ये हमको इस पर बेस्ट क्वेश्चन आता है ये वाला क्वेश्चन हमको याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्स ए बी माइनस बी सी माइनस टू जीरो जनरली ये एच पी वाले क्वेश्चन इस पे आते हैं एच पी वाला क्वेश्चन में यूज होगा ये जनरली जो होता है बाकी क्वेश्चन पर डिपेंड करता है लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता रहता है ध्यान रखो ठीक है एचपी क्वेश्चन जीपी क्वेश्चन किसी में भी होगा लेकिन ये एक्सप्रेशन हमको याद होना चाहिए जेई मेंस और एडवांस में कोई ना कोई क्वेश्चन इस पर बेस्ड आ जाता है अब दूसरा समझते हैं पहला वाला आ गया इसके डिफरेंट डिफरेंट हम क्वेश्चन की तरह समझते हैं कि ये क्या क्या है सेकेंड ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए बी बी सी सी डी एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो लिखा है और लेस देन इक्वल टू जीरो लिखा है देन ए बी सी डी विल बी इन जीपी ये ध्यान रखो जीपी को इनडायरेक्टली देने का ये तरीका है जीपी को इनडायरेक्टली देने का ये तरीका है फर्स्ट वाला तो क्लियर हो गया ना बेटा इसको ओपन करोगे ना तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी अब ये इतना तो कर ही सकते ना इसको ओपन करोगे तो ये जो आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बनस बी सी माइनस सी ए क्वेश्चन में ये आएगी ये वाली एक्सप्रेशन आती है ध्यान रखना अरे बेटा ओपन करोगे तो माइनस आएगा टू बी स्क्वायर आएगा टू सी स्क्वायर आएगा माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए आएगा तो टू कॉमन निकाल के आप राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दो हाँ अब सेकेंड वाला समझते हैं इसमें क्या करना है बेटा हम फर्स्ट टर्म को क्लब करते हैं देखो यहाँ से फर्स्ट टर्म लिखो यहाँ से फर्स्ट टर्म लिखो यहाँ से फर्स्ट टर्म लिखो क्या हो जाएगा ए स्क्त बी स्क्सीड टर्म लिखो बी स्क्वायर एक्स स्क्स प्लस सी स्क्वायर थर्ड टर्म लिखो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू सी डी एक्स प्लस डी स्क्न एक भी लिखना चाहो अब बेटा ये क्या दिख रहा है आपको ये ब्रैकेट क्या दिख रहा है आपको ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर ये दिख रहा है बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर ये दिख रहा है सी एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो जो भी हो अब बेटा स्क्वायर का सम है जीरो तभी होगा या लेस देन इक्वल टू जीरो का होगा जब ये सभी के सभी इक्वल टू जीरो हो इससे क्लियर है एक्स क्या होगा बी बाई ए सी बाई बी डी बाई सी तो रेसू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है मतलब हो गया जीपी में हाँ बेटा जो भी मैं लिखा रहा हूँ रिजल्ट इसको आपको याद रखना है तब जाके एग्जाम में आपको यूजफुल रहेंगे सब क्लिक करने लग जाएंगे प्रीवियसर के क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएंगे अब देखिए फोर्थ वाला अच्छा बताइए बेटा एफ यदि ये रिलेशन गिवेन है यदि क्वेश्चन में लिखा है इन एनी सीक्वेंस ये लिखा है बताइए बेटा सीक्वेंस कौन सी होगी इन एनी सीक्वेंस इफ ए एन इज इक्वल टू 2 ए एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस टू उन्होंने कहीं पे कुछ ही मेंशन नहीं किया एपी है या जीपी है या एचपी है या क्या है लेकिन हमको देखकर तुरंत कंक्लूजन आना चाहिए कि भाई वो क्या है यस yes. एपी में होगी सीक्वेंस। सीक्वेंस so, क्या है एपी है देख के कैसे समझ में आया देखिए ए एन माइनस टू ए एन माइनस वन और ए एन माइनस और एन इनके बीच में क्या रिलेशन आपको दिख रहा है आपको क्या रिलेशन दिख रहा है ये दिख रहा है ना टू ए एन माइनस वन इज इक्वल टू ए एन माइनस टू प्लस ए एन यही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये रिलेशन होगा कि नहीं होगा तो बस समझ जाओ दूसरा आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं देखो ए एन माइनस को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूं तो ये ऐसे हो जाएगा तो देखो कॉन्जिक टर्म का डिफरेंस है ये कॉन्जिक टर्म का डिफरेंस है हमारा इसका मतलब क्या होगी कौन सी सिक्वेंस होगी ए पी होगी तो बेटा कहीं कभी कभी क्या होता है एडवांस के क्वेश्चन में वो इस तरह से लिख देते हैं अब वो आपको कंक्लूड करना आना चाहिए कि वो सीक्वेंस कौन सी है अच्छा दूसरा ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इज इक्वल टू लिखा है वन बाई थ्री कंक्लूजन क्या बताओगे ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इज इक्वल टू वन बाई थ्री है तो ये क्या है सीक्वेंस कौन सी होगी ये सीक्वेंस होगी जीपी क्यों क्योंकि ए एन प्लस वन और ए एन कौन से कॉन्सिक टर्म्स होते हैं और कॉन्सिक टर्म का रेशियो यदि कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब क्या है वो सीक्वेंस क्या है जीपी है और आर हो जाएगी वन बाई थ्री अब देखते हैं सीरीज कन्वर्टेबल टू जीपी सीरीज कन्वर्टेबल टू जीपी या सीक्वेंस कन्वर्टेबल टू जीपी देखो बेटा अब में हम वैरायटी के क्वेश्चंस एक देखेंगे कि हमको कैसे कोई भी सीक्वेंस को कैसे जीपी में कन्वर्ट कर लेना था स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है वो जीपी में ना एपी होगा ना जीपी होगा ना एचपी होगा लेकिन हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड सीक्वेंस में देखो लेट्स से ये सीक्वेंस आ गई जैसे कोई भी रिपीटेड डिजिट्स की कोई क्वेश्चन आ गया टू डबल टू ट्रिपल टू एंड ऑन समझ में आया सीक्वेंस कैसे हम कन्वर्ट करते हैं हाउ टू कन्वर्ट बट याद है आपको बेटा कैसे कन्वर्ट करते हैं हाँ इसमें जो रिपीटेड डिजिट है वो हमें नाइन बनाना होता है नाइन तो हम क्या करते हैं टू को कॉमन निकाल लेते हैं और नाइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो नाइन डबल नाइन ट्रिपल नाइन इस तरह से होता जाएगा आगे समझ में अब इस नाइन को हम क्या कर सकते हैं इस नाइन को लिख देंगे टेन माइनस वन हंड्रेड माइनस वन थाउजेंड माइनस वन इस तरह से लास्ट में हो जाएगा टेन की पावर एन माइनस वन तो ये क्या होगा टू बाई नाइन टेन फर्स्ट को एक साथ लिख लो और ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा दूसरा अब फर्स्ट देखो जीपी बन गई कि नहीं बन गई फर्स्ट देखो फर्स्ट ब्रैकेट में जीपी दिख रहा है ना बस जीपी का समय से लगा दो दे। क्वेश्चन देखो सॉल्व हो जाएगा तो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है ए इंटू आर टू दावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन और ये वन वन करोगे ऐड तो एन आ जाएगा तो ये हो गया आंसर आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि यदि रिपीट हो रहा है या थ्री रिपीट हो रहा है या फाइव रिपीट हो रहा है कोई भी डिजिट रिपीट हो लेकिन हमें उसे हमेशा रिपीटिंग डिजिट नाइन बनाना होता है कैसे बनाना होता है जैसे इस क्वेश्चन में देखो मैंने टू कॉमन निकाला और नाइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और फिर नाइन को क्या करना होता है टेन माइनस वन डबल नाइन को हंड्रेड माइनस वन ट्रिपल नाइन को थाउजेंड माइनस वन इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं

फर्स्ट वाला समझ में आ गया अरे बेटा टू को कॉमन निकाला नाइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है अब सेकेंड वाला देखो लेट्स से पॉइंट सेवन पॉइंट सेवन सेवन पॉइंट सेवन 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 एंड सो ऑन लेट्स से अप टू ट्वेंटी टर्म्स ठीक है जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं और कुछ नहीं समझाने के लिए ये आ गया तो डेसिमल हो या कुछ भी हो करने का तरीका सेम है क्या सेवन को कॉमन निकालो नाइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा पॉइंट नाइन पॉइंट नाइन नाइन पॉइंट नाइन 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 एंड सोन क्योंकि हमको जो रिपीटिंग डिजिट चाहिए वो किसमें चाहिए हमें वो चाहिए नाइन में चाहिए तो ये हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस पॉइंट वन दैट इज वन माइनस वन बाई टेन वन माइनस वन बाई हंड्रेड वन माइनस वन बाई थाउजेंड एंड सो ऑन ठीक है तो सेवन बाई नाइन देखो ये वन 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 एड होगा तो बाकी वन बाई टेन वन बाई हंड्रेड वन बाई थाउजेंड इनको एड कर सकते हैं तो ये हो गई जीपी फर्स्ट टर्म है वन बाई टेन और कॉमन रेसो भी वन बाई टेन तो फॉर्मूला लगा देंगे इसमें आपका आंसर आ जाएगा तो ये हो जाएगा एन मतलब ट्वेंटी टर्म्स को ऐड करेंगे तो आ जाएगा ट्वेंटी आ जाएगा ट्वेंटी टर्म्स है ना और इसमें फॉर्मूला लगा देंगे तो ए इंटू वन माइनस आर टू दावर एन अपॉन वन माइनस आर ठीक है ये हमारा आंसर हो जाएगा सिंप्लीफाई तो आप कर ही सकते हो ये आंसर है करना कैसे वो इम्पोर्टेंट ये है पॉइंट ये है कि हाउ यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम अप्रोच कैसे करेंगे सॉल्व कैसे करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका ये है बेटा रिपीटिंग डिजिट्स वाला कि हमेशा ध्यान रखो चाहे सेवन रिपीटेड हो चाहे टू रिपीटेड हो या कोई भी डिजिट रिपीटेड हो बनाना हमेशा ही है तो उसमें क्या करना है हमको हमको सेवन कॉमन निकाल देना है और नाइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है तो पॉइंट नाइन पॉइंट नाइन नाइन पॉइंट नाइन 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 इस तरह से आता जाएगा और फिर इसको हम ले सकते हैं वन 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 माइनस माइनस टेन हंड्रेड एंड तो जीपी का समय आ जाएगा बेटा आंसर में कोई भी चीज रिजेक्ट नहीं करना है मैथमेटिक्स में वो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में करते होंगे मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़, कोई भी टर्म रिजेक्ट नहीं करना है, unless, until, कोई भी चीज़ टर्म इग्नोर नहीं करना है ये ध्यान रखो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं निकालनी होती मैथमेटिक्स में अब तीसरा देखिए इलेवन हंड्रेड टू वन थाउजेंड थ्री फाइव एंड सो एक मिनट देखिए कोई भी टर्म इग्नोर नहीं करेंगे इनफाइनाइट टर्म की सम्मेसन नहीं है प्रीवियस क्वेश्चन में बेटा ट्वेंटी टर्म का निकाला था तो आपका आंसर जो आ रहा है उसी के फॉर्म में आंसर लिखना है उसमें कोई भी टर्म इग्नोर नहीं करना है ध्यान रखो हाँ बेटा देखो अब कैसे समझ में आएगा कि इसमें जीपी का टर्म हो सकता है इसमें यह है कि देखो देखो वैल्यू क्या है देखो पहले था अराउंड टेन फिर क्या हो गया अराउंड हंड्रेड फिर अराउंड थाउजेंड मतलब वैल्यू क्या है? 10, 10 हो रही है ना तो इससे हमको समझ में आ जाना चाहिए बेटा जीपी का कुछ ना कुछ इसमें लेना देना है जीपी का इन्वॉल्वमेंट है कुछ ना कुछ तो फिर आपको स्प्लिट करना चालू करना चाहिए टेन प्लस वन हंड्रेड प्लस थ्री थाउजेंड प्लस फाइव टेन थाउजेंड प्लस सेवन एंड सो ऑन आया समझ में कैसे समझ में आएगा कि हमको जीपी है या नहीं है तो बेटा टर्म को देखो फर्स्ट टर्म जो है वो अराउंड टेन है टेन पास दूसरा है अराउंड हंड्रेड तीसरा है अराउंड तो समझ में क्या आ रहा है टाइम्स होता जा रहा है ऑलमोस्ट तो आप इसको स्प्लिट कर लो इस तरह से हंड्रेड थाउजेंड एंड सोन एक ही हो गया वन थ्री फाइव सेवन ये हो गया ये जी है ए है टेन आर है टेन ये ए है ए है वन डी है टू लगा दो एन का समेशन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एन बाई टू सॉरी इसका क्या होगा ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन और ये एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो ये हो गया तो इसमें जीपी भी है और एपी भी है हाँ बेटा जब भी क्वेश्चन आता है तो वो आप देखिए ना किस फॉर्म में आंसर है ये मैं कैसे बता सकता हूँ ये तो जब क्वेश्चन आपको देखेगा तो आप खुद ही समझ में आ जाएगा एन की वैल्यू क्वेश्चन में देंगे वो क्या यार तुम जीपी का फॉर्मूला ही भूल जाते हो ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन ये होता है जीपी का फॉर्मूला और एपी का क्या होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अब देखिए नेक्स्ट बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला x की पावर n माइनस वाई की पावर n के फैक्टर क्या होते हैं आपको मालूम है तो x की पावर n y की पावर n का बाद में पहले आपको मैं सिंपल सा पूछता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर याद है आपको x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई अच्छा बेटा बताओ एक्स क्यू माइनस वाई क्यू के फैक्टर क्या होते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है एक्स की पावर फोर माइनस वाई की पावर फोर के फैक्टर एक्स माइनस वाई एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब होता है इसी को जनरलाइज आप कितना कर सकते हो एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन क्या होता है एक्स माइनस वाई एक्स पावर एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस टू इंटू वाई एक्स पावर एन माइनस थ्री इंटू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन, ये होता है ठीक है आगे समझ में इस पर वेज देखो क्वेश्चन कैसे आएगा ये हमें निकालना है एक्स प्लस वाई

यदि कहीं लिखा लिखा है y की between minus 1 and 1. है 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 ना इसका मतलब 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 होता की की वैल्यू वैल्यू होगी होगी कहने का का आप निकाल सकते हो यू कैन कैलकुलेट इनफाइनाइट जीपी जो फॉर्मूला है वो आप अप्लाई कर सकते हो ए अपॉन वन माइनस आर वाला हाँ बेटा अब क्या करें इस ये कैसे समेशन निकाले इसमें तो ये देखो ये टर्म देखो कितना बड़े बड़े टर्म दिख रहे हैं आपको वो आपको बेसिकली दिख रहा है ये सेकंड टर्म देखो इसमें जो सेकंड फैक्टर है ना ये दिख रहा है ये आपको x माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है और कुछ नहीं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फर्स्ट टर्म दूसरा बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तीसरा बन जाएगा एक्स की पावर फोर माइनस वाई की पावर फोर एंड सो ऑन अब देखो x वाले टर्म एक साथ लिखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर फोर एंड सो ऑन y वाले टर्म एक साथ लिखो और बस जीपी बन गई दोनों अलग अलग जीपी बन गई तो a अपॉन वन माइनस आर ये हो जाएगा b अपॉन वन माइनस आर आया समझ में तो बेटा क्वेश्चन ये आता है ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्लिक नहीं करता है बच्चों को करें क्या ये समझ में ही नहीं आता बच्चों को कि हम किस अप्रोच से सॉल्व करें अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करोगे ना आप तो आपका आंसर आ जाएगा इसको एलसीएम ले लेना ले आप बेटा देखो नोमरेटर को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो एक्स स्क्स स्क्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स होगा नोमरेटर में तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसमें देखो एक्स वाई कॉमन आ जाएगा x, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स तो देखो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई हो गया और इसमें एक्स वाई कॉमन तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा तो देखो फैक्टर हो जाएंगे बेटा ठीक है तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो x माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा देखो सिंप्लीफाई करना भी है क्योंकि सिंप्लीफाई आंसर जो होगा वो ऑप्शन में सिंप्लीफाइड फॉर्म गिवेन होता है तो ये देखो ये कैंसल आउट हो गया तो आंसर ये गिवेन होगा ध्यान रखो ठीक है देखो इसको शुरुआत से और ध्यान रखो बेटा क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चे लोग एग्जाम में तो पहली बार तो कई बार है, रिपीट हो चुका है ये लेकिन ध्यान रखो यदि एग्जाम में आ जाता है तो फिर फर्स जाते हैं बच्चे लोग क्योंकि समझ में नहीं आता फर्स्ट स्टेप ही करना क्या है हम इसको जीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना तो ये एपी है ना तो ये एचपी है ना ही ये जीपी दिख रही है लेकिन हम कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड सीक्वेंस में स्टैंडर्ड सीरीज कैसे बनाएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तो x माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे एक्जैक्टली exactly यही क्वेश्चन है बेटा जो मैंने लिखा है यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में एग्जैक्टली exactly यही क्वेश्चन आएगा जो मैंने आपकी स्क्रीन में दिख रहा है जो अरे बेटा जो सीख रही पॉसिबल होगी जिस जिसमें भी कन्वर्ट करना पॉसिबल होगा उसमें ही कन्वर्ट करेंगे ना अब इसमें जीपी बन रहा है तो जीपी बनेगा एचपी जी नहीं बना सकते ना जनरली जो एडिशन वाला जो क्वेश्चन होता है समेशन वाला उसमें एपी आता है या फिर जीपी आता है एचपी वाले क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि एचपी का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है वो सब क्वेश्चन हम एपी या जीपी से सॉल्व करते थे तो एपी और जीपी वाले क्वेश्चन ही आते हैं ठीक है तो इस तरह से हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हमने इस तरह से हाउ टू कन्वर्ट जो सीक्वेंस हमको या सीरीज हमको गिवेन है उसको हम जीपी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो दीज आर दाम ऑफ फ्यू क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है ठीक है प्रैक्टिस कर लेनी है अब हम करते हैं बेटा आप अपना लास्ट में प्रॉपर्टीज बेटा और रिजल्ट्स देखते हैं रिजल्ट्स क्या है बेटा यदि दो ए वन ए टू ए थ्री से लेकर ए एन ये है जीपी और दूसरा है बी वन बी टू बी थ्री से लेकर बी एन ये दूसरी जी है तो बेटा क्या होता है जीपी का प्रोडक्ट कर दोगे ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री एड नहीं एडिशन से कुछ नहीं बता सकते क्या होगा लेकिन प्रोडक्ट करने से जीपी ही बनती है डिवाइड करने से जीपी ही बनती है प्रोवाइडेड नॉन नो बात है कोई भी टर्म जीरो तो होगा नहीं तो दो जीपी को मल्टीप्लाई करोगे या दो जीपी को डिवाइड करोगे तो जीपी ही बनेगी फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट किसी भी नंबर कांस्टेंट नंबर को आप जैसे ए वन ए टू ए थ्री से लेकर ए एन ये जीपी है यदि हमने किसी भी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया के ए वन के ए टू के ए थ्री इस तरह से तो न्यू सीक्वेंस जीपी ही रहेगी या किसी भी नंबर से हमने डिवाइड कर दिया जीपी किसी भी नंबर से हमने डिवाइड कर दिया किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो जो न्यू सीक्वेंस होगी वो हमेशा क्या होगी जीपी ही होगी हाँ बेटा फर्स्ट में जो होगा वो होगा कॉमन रेसी होगा दोनों का प्रोडक्ट और सेकंड में होगा डी वन बाई डी टू हाँ बेटा नेक्स्ट लिखिए हेडिंग इन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी तो आपको याद है बेटा एपी के आर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन में हम आर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन हमने पढ़ा था उसका मीनिंग क्या था ए और बी हमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर मालूम है वी हैव इंसर्टेड एन नंबर्स बिटवीन हमने एन नंबर्स बीट में डाल दिए सो दैट दिस सीक्वेंस बिकम्स ए जीपी तो इसे कहते हैं फर्स्ट जीएम इसे कहते हैं सेकंड जीएम इसे कहते हैं थर्ड जीएम एंड सो ऑन इसे कहेंगे अनंत जीएम ज्योमेट्रिक मीन जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन आ गया समझ में यदि सीक्वेंस एपी बनती है तो इन्हें कहते हैं अरिथमेटिक मींस यदि सीक्वेंस एचपी बनती है तो कहते हैं हार्मोनिक मींस और जब सीक्वेंस जीपी बनती है तो उसे क्या कहते हैं ज्योमेट्रिक मींस आप समझिए यदि सीक्वेंस जीपी है तो जीवन को हम लिख सकते हैं जीवन क्या होगा जीवन होगा ए आर के बराबर जी टू होगा ए आर स्कवायर के बराबर जी थ्री होगा ए आर क्यूब के बराबर और जीएन हो जाएगा ए आर की पावर एन के बराबर और बी हो जाएगा ए आर की पावर एन प्लस वन के बराबर कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेटा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यह है जीवन जी टू की जगह ये वैल्यू पुट कर देना ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पूरा समझ में आ गया अच्छा अब इसमें ध्यान रखो फर्स्ट यदि केवल एक ज्योमेट्रिक मीन डाला बीच में हमने ए और बी के बीच में एक ही केवल ज्योमेट्रिक मीन डाला तो जी स्क्वायर होगा ए बी के बराबर मतलब जी हो जाएगा रूट ए बी इफ ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव ठीक है इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन इसमें फर्स्ट सेकंड नहीं वर्ड यूज करेंगे यहां सिंपल कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स क्या होते हैं अंडर रूट ऑफ ए बी इफ ए एंड बी प्रोवाइडेड ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव पहला दूसरा प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है जी वन जी टू जी थ्री से लेकर जी एन ये होता है बेटा जी की पावर एन के बराबर प्रोडक्ट ऑफ होता जी टू जी थ्री का प्रोडक्ट होता है सभी का प्रोडक्ट होता है G की n, एन इज रूट ए बी की पावर एन के बराबर होता है हाँ, यदि आपने सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया बिटवीन ए एंड बी उसे सिंगल डबल कुछ नहीं कहते सिंपल ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं तो यदि तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी तो ज्योमेट्री मीन ऑफ एंड भी होता है अंडर रूट ऑफ ए बी देखो बेटा एक क्वेश्चन से हमको समझ में आएगा ये कैसे हमें ट्राई करना होता प्रॉब्लम लेट एक्स बी द अर्थमेटिक मीन एंड वाई जेड आर टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एनी टू पॉजिटिव नंबर्स देन फाइंड क्यूब क्यूब अपॉन एक्स वाइजेड जैसे क्वेश्चन आ गया इस क्वेश्चन से आपको पूरा समझ में आ जाएगा चाहे एडवांस का क्वेश्चन हो चाहे मेंस का क्वेश्चन हो चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक मीन्स आपसे फटाक से बन जाएगा तो इसको ध्यान से समझिए बेटा देखिए बेटा हमको लिखा है एक्स टू पॉजिटिव नंबर हम कर लेते हैं पहले तो पॉजिटिव नंबर से ए एंड बी है एक्स होगा होगा इनका क्या लिखा है ए एम है आर्थमेटिक मीन से तो क्या होता है आर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई टू होता है ठीक है अच्छा y और जेड ज्योमेट्रिक मीन से तो हम क्या करेंगे ए वाई जेड और बी ये क्या हो जाएगा जीपी तो वाई की जगह हम क्या लिख देंगे ए आर जेड की जगह ए आर स्क बी की जगह ए आर क्यूब तो एक्स हमारा बन जाएगा ए प्लस ए आर क्यूब बाई टू बन जाएगा तो पहले तो ये बताओ ये इतना तो क्लियर समझ में आ गया ना कैसे हमें अप्रोच करना है चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए मैं जनरल बता रहा हूं बेटा सभी टाइप के ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे ईजीएस्ट वे जिसमें आपको कोई मैनिपुलेशन नहीं करना है कोई दिमाग नहीं लगाना है सब ऐसे ही बस कर दो बस वैल्यू पुट कर दो ए ए आर ए आर स्क्वायर वगैरह अब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड तो वाई कितना है ए आर जेड कितना है ए आर स्क्वायर एक्स कितना है ए प्लस ए आर क्यूब बाई टू है ए आर है और जेड है ए आर बस इसको सिंप्लीफाई कर लो आपका क्वेश्चन सॉल्व देखो इसमें ए कॉमन वन प्लस आर क्यूब बाई टू ये देखो ए स्क्वायर आर क्यूब तो देखो सभी टर्म कैंसिल हो गए ए स्क्वायर ए ए क्यूब ये कैंसिल हो गया ये देखो कैंसिल हो गया कितना आ गया टू आ गया ये क्वेश्चन दो तीन बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है बेटा ये पहले बहुत ही पहले आई आई टी जेई में आया था और उसके बाद में फिर रिपीट हुआ तो ये इंटीजर टाइप में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जेई मेंस में या एडवांस में कहीं पर भी तो अप्रोच कैसे करना इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट है अप्रोच कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया मैंने कहीं पर भी मैंने हमेशा वाई जेड बी की वैल्यू पुट कर दी जहां भी यूज हो रहा है ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वो सब ऑटोमेटिकली सब टर्फ कैंसिल आउट होके आंसर आ जाएगा आपको सु, सु, कुछ नहीं सोचना है बस ये ध्यान रखो कैसे मैंने सॉल्व किया है चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे एडवांस का कोई भी आया हुआ क्वेश्चन हो चाहे मेंस का आया आया हुआ क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही सिंपलेस्ट वे है ठीक है आप समझिए बेटा देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का और भी तरीका है यदि तुम्हें क्वेश्चन में लिखा है टू ए एम्स देखो समझो बेटा दूसरी अप्रोच टू ए एम्स बिटवीन एनी टू पॉजिटिव नंबर जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं तो आप क्या करोगे आप वन टू थ्री फोर एज्यूम कर लेना समझ में आया ये है फर्स्ट नंबर ये है सेकंड ये है लास्ट नंबर और ये है अर्थमेटिक मींस बिटवीन आपका क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाएगा ये हो जाएगा ए ये हो जाएगा बी और ये हो जाएंगे ए वन ए टू ए वन हो जाएगा टू और ए थ्री हो जाएगा थ्री समझ में आया अल्टीमेटली मैंने क्या बताया था ए एम का मतलब एपी बन जाना तो आप सिंपलेस्ट एपी एज्यूम कर लो वन टू थ्री फोर या वन वन सभी को वन वन भी एज्यूम कर सकते हो लेकिन जनरली क्वेश्चन में टू डिस्टिंक्ट नंबर लिख देते हैं इसलिए हम वन टू थ्री फोर एज्यूम कर रहे हैं लिखा है यदि टू जुम... टू जीएम जैसे यही क्वेश्चन में था यदि लिखा होता है टू जीएम बिटवीन एनी टू पॉजिटिव नंबर तो हम क्या करते हम बेटा वन टू फोर एट एज्यूम कर लेते तो इसमें देखो ए हो जाता वन जी वन हो जाता टू जी टू हो जाता फोर और बी हो जाता एट ये क्वेश्चन ये जो अभी हमने किया है ना यही इसी क्वेश्चन में ये वैल्यू पुट कर देंगे ना यदि हम ये वाली वे इसमें तब भी आंसर टू आ जाएगा समझ में आया मैंने क्या बोला यदि आप वाई जेड की वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तब भी आंसर यही आ जाएगा जो मैंने लिखा है मीन तो 1 और एट का अर्थमेटिक मीन हो जाएगा नाइन बाई टू जी वन जी टू है टू और फोर ये वैल्यू पुट कर देंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व के आपका आंसर यही आएगा जो मैंने अभी निकाला था टू ठीक है तो ध्यान रखो बेटा यदि HP में sequence करना हो तो आप इस इस तरह तरह से से कर सकते दिस इज वैल्यू पुटिंग अप्रोच आपको हमेशा एक ही अप्रोच से नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना होता है आपको देखना होता है कि भाई हमको यदि वैल्यू पुटिंग से सॉल्व होता है तो वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करके आंसर निकाल लो आपका अप्रोच यदि आ,

तो आप बेटा अब जीपी के जो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या मॉड्यूल के वो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा और फिर देखिएगा आपसे बन रहे कि नहीं बन रहे मेरे ख्याल से आपसे क्वेश्चन आप बनेंगे यदि ये आपको समझ में आया है जो आज की क्लास है पक्का आपसे पूरा पूरा जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के जेई मेन्स के एडवांस के क्वेश्चन आप कंफर्टेबली सॉल्व कर लोगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे बेटा एजीपी और एपी जी एच पी के मिक्स क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन हमको कैसे ट्राई करना ट्राई करते हैं और कैसे आ सकते हैं वो सब देखेंगे ठीक है तो आज की क्लास में बस यहीं तक जिसको डाउट्स है वो रुक जाए बाकी लोग जा सकते हैं जिसको डाउट्स है वो हैंड रेस करे अपना मैं एक एक करके इग्नोर अनम्यूट अनम्यूट करूंगा तो पांच मिनट है आपके पास टाइम लीजिए और जिस जिस बच्चे को डाउट्स हैं वो अपना हैंड रेस करके रखे मैं अभी आपको एक एक करके अनम्यूट करता हूँ एपी और जीपी एपी और एचपी का पीडीएफ ऑलरेडी मैंने आपके ग्रुप में भेजा हुआ है तो आप अपने ग्रुप में के नोट्स चेक करिए उसमें दिख जाएगा आयुष बेटा आयुष हेलो हाँ हाँ आयुष बताइए क्या डाउट है सर ऊपर वाला जो सवाल था ना वो समझ में नहीं आया था कौन सा जो आ, आपने एक्स वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस बाय एक्स वाई जेड का क्या था ना नहीं उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि वाई एक्स है अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज तो हमने एज्यूम नंबर ए और बी एज्यूम कर लिया तो एक्स हो गया ए प्लस बी बाई टू ठीक है, ओके okay. और और टू ज्योमेट्रिक मींस है तो मतलब ए वाई जेड बी जे हो जाएगी ज्योमेट्रिक मीन मतलब जीपी फॉर्म करना तो okay, ये जीपी हाँ, बन गई तो वाई हो गया ए आर जेड हो गया ए आर स्क्वायर बी हो गया ए आर क्यूब बस इसमें वैल्यू पुट कर दो क्वेश्चन सोल्व

आर्यन हेलो सर हाँ आर्यन हाँ सर इंसर्शन इंसर्शन और ज्योमेट्रिक मींस बिटवीन ए एंड बी में लास्ट पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो लास्ट पॉइंट नोट के पॉइंट की ये ये क्या है ये note, ये बेटा नोट uh, का लास्ट अच्छा ये जो लिखा है ना प्रोडक्ट और ज्योमेट्रिक मीन ये आंसर आता है जी की पावर एन कैसे आता है सिंपल सी बात है ना फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट हमने क्या पढ़ा था जीपी में फर्स्ट लास्ट का प्रोडक्ट क्या होता है तो ये सब है फर्स्ट के और बी के बराबर होता है ठीक है, है? अच्छा, 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 है तो अब इसमें क्या है ए, ये ए बी हो गया इसी तरह से ये मतलब आधे टर्म ए बी के बराबर हो जाएंगे आधे तो ये एन टर्म है तो हाँ. कितना हो जाएगा एन बाई टू हो जाएगा ना ए बी ए बी ए बी कितने बार आएगा एन बाई टू टाइम्स आएगा समझ में आया मैंने क्या बोला okay, okay, अच्छा, क्योंकि देखो टोटल एन हैं कितने पेयर्स बनेंगे एन बाई टू पेयर्स बनेगी ना तो हो जाएगा ए की, हाँ, हाँ, की पावर एन बाई टू दैट इज रूट ए की पावर एन तो जी की पावर एन हो गया हाँ, सम्झे। हाँ, सब हाँ. ओके क्रिस okay. रेस आर देयर अ हेलो सर हाँ बेटा बताओ सर uh, आपने लास्ट क्लास की नोट्स नहीं भेजे थे एचपी के एपी और एचपी के जो भी नोट्स हैं बेटा वो आपके ग्रुप में भेज तो दिए थे ना सभी ग्रुप में मैं एक मिनट चेक करता हूं कोई बात नहीं बेटा आप अपना बैच बताइए उसमें मैं भेज दूंगा आप कौन से बैच के हैं किस बैच बैच का नाम बताइए अपना चैम्पियन वन अच्छा इग्नोर बी गॉटेड ठीक है तो बेटा तो आप देख लीजिएगा उट uh, uh, है ओके थैंक यू सर ओकेर है सब कुछ ठीक है ठीक है अभी अभी बेटा और सर आपने बैच एक्स में भी नहीं भेजा था बैच एक्स ठीक है बेटा मैं अभी फिर से ए पी और एचपी तीनों के भेज देता हूँ अभी के अभी ग्रुप में आपको कोई डाउट सर डाउट आज है तो की क्लास के भी भेज दीजिएगा हाँ आज की क्लास का भी वही इंक्लूडिंग ए पी जी तीनों को सर भेज दूंगा थैंक यू सर ओके प्रसाद सर वो आपने इनफाइनेट के लिए माइनस वन से बनने ही क्यों लिया मतलब आर इनफाइनेट जीपी की केस में बेटा जब आर की वैल्यू वन से ज्यादा होती है ना तो टर्म इनक्रीज होते जाते हैं और यदि यदि टर्म इनक्रीज होंगे तो वैल्यू भी इनक्रीज हो जाएगी समझ में आया मैंने क्या बोला यहाँ समझो देखो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है यदि मान लो ये है इनफाइनेट सीरीज तो क्या होगा ये इनफाइनेट सीरीज में ई e, वैल्यू तो इंक्रीज होती जा रही है ना तो सम इन्फिनिटी आएगा कि नहीं आएगा अरे बेटा यदि ईच टर्म इंक्रीजिंग है वैल्यू इंक्रीज हो रही टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू एंड सो ऑन तो यदि वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है तो सम इन्फिनिटी आएगा तो मैंने क्या बोला इनफाइनाइट जीपी का सम फाइनाइट कब होता है वेन आर की वैल्यू होगी माइनस एंड वन के बीच में तो आर की वैल्यू वन वन और माइनस वन के बीच में होगी तभी फाइनाइट आएगा अदरवाइज फाइनाइट नहीं आएगा ठीक है ओके okay. आदित्य सर आपने अभी नोट लिखा था ग्रीन कलर में नोट वन एक मिनट देखें हाँ सर नोट वन में हमें हमने ए जी बी लिखा है तो उधर अगर ए जी बी सी फोर टर्म्स आ गए तो जो बीच में जो टर्म्स है बीच में मतलब तीन है वो ए आर ए आर करके ए हाँ सभी को ए आर इसी तरह से लिखना है और ध्यान रखो कि आपको यदि चार टर्म यदि उन्होंने लिख दिया कि टर्म्स लिख देना है ए जी वन जी टू बी ये हो जाएगा तो g1 हो जाएगा ar g2 हो जाएगा ar ar2 और ये हो जाएगा ar ar3 मतलब gp का जो होता है ना a ar ar ar2 ar3 इस तरह से वैल्यू पुट कर देना है सर आर एक एको भी कुछ लिख देंगे हैं a है? के टर्म में रिमेनिंग को लिखना है ए एको क्या लिखते होंगे अरे a ए... ए के ट्रम में लिखना है रिमेनिंग बी जी वन जी टू बी को सभी को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए लिखना है सभी के सभी को ठीक है बेटा और कोई डाउट है चलो आर क्रेस देयर हेलो uh, सर हाँ ग्रुप में एपी और एचपी के नोट्स नहीं मिले वे अभी भेज देता सभी ग्रुप में एपी जीपी एचपी तीनों के अभी भेज देता हूँ थैंक यू सर ओके ओके सभी बैच में भेज दूंगा बेटा परेशान मत हो ये अभी के अभी अभी क्लास खत्म होती है तो मैं तुरंत के तुरंत सभी बैचेस में सभी बैचेस में मैं ये भेज दूंगा रिकॉर्डिंग भी अपलोड करके भेज दूंगा और नोट्स भी भेज दूंगा ठीक है अरे वो बेटा ए बी की पावर एन बाई टू होगी मतलब रूट ए बी की पावर तो एन ही होगी ना सेकेंड नोट में ए बी की पावर एन बाई टू होगी तो ए बी की पावर एन बाई टू का मीनिंग हो गया रूट ए बी की पावर एन डेट इज जी की पावर एन होगा ठीक है बच्चों सभी के डाउट क्लियर ठीक है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में बेटा एपी जीपी एचपी के जो मिक्स प्रॉब्लम है mixed concept है वो हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट एपी टू जीपी जीपी टू एचपी एचपी टू एपी आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं और इसके मिक्स क्वेश्चन और उसके बाद हम चालू करेंगे ए जीपी Okay then, bye bye.